एक व्यक्ति था, सूट बूट पहना था, उसे नदी पार करनी थी। तो वह नदी के पास गया, वहां पे उसको एक मल्ला मिला नाव में बैठा, और उसने मल्ले से कहा, भैया नदी पार करनी है, सूट पहना हूं, गंदा ना हो, आप मुझे पार ले जा सकते हो? मल्ला कहता है, हां जरूर साहब, ले जाऊंगा। सूट वाला बैठता है, 10 मिनट होते हैं, बातचीत शुरू होती है। सूट वाला कहता है, भाई बताओ, एक बात बताओ, तुम विज्ञान पढ़े हो? मल्ला कहता है, नहीं साहब, हम विज्ञान तो नहीं पढ़े। सूट वाला कहता है, अरे भाई तुम्हारी 25% जिंदगी तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। 10 मिनट और होते हैं, पूछता है, भैया एक बात बताओ, विज्ञान नहीं पढ़ा, गणित तो पढ़ा होगा? मल्ला कहता है, नहीं साहब, गणित नहीं पढ़ा मैंने, गिनती कर लेता हूं मगर गणित तो नहीं पढ़ा। अरे भाई 50% जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं, सूट वाला कहता है, अच्छा बताओ, तुमने कभी कंप्यूटर चलाया है? साहब हमने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर के जेब में पैसा जा रहा है। एक सिक्के में 2 साइड होते हैं, एक सिक्के में 2 साइड होते हैं, एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर। और दूसरा साइड अजमल। भगवान राम ने सबका आदर किया था, गलत GST तो लागू नहीं की थी ना? हाथ मिलाने से पता लग जाता है, आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है हवा निकल जाती है। मैंने किया है, वो जैसे पकड़ता है ऐसे लगता है कि भैया 10-15 लोगों ने पकड़ लिया हाथ। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है।
लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूं, इधर भी आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य आज बजट पर चर्चा है। मैं आ रहा हूं सर बजट पे, सर मैं आ रहा हूं बजट पे, मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूं, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी। फाउंडेशन स्पीकर सर, आप बजट पर बात, हाँ बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप बात करते हैं बजट की, डरते क्यों, डरते क्यों, सुनो तू हिले। मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। ये कोई ये सभा नहीं है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें, खुश करें। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। राजनेता का काम दुर्गा और लक्ष्मी को, इन शक्तियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का होता है। हिंदुस्तान का किसान आने वाले 5-10 सालों में अपने खेत को दुनिया के हर डाइनिंग रूम के प्लेट से जोड़ दे। कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है, कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। वो सही करा दे।
अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। क्या दोस्तों, राहुल गांधी से बड़ा जोकर इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, राहुल गांधी से बड़ा जोकर इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, राहुल गांधी से बड़ा जोकर इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।